हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्नैपचैट स्पेशल बहुत ही मस्त फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेंड होता है फोटो गाइस, एंड आप भी कर पाओगे एडिट, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। और ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं कोई अदर एप्लीकेशन में भी नहीं जाने वाला हूँ, बस आपको स्नैपचैट में सारा कुछ करके दिखाऊंगा। एंड आप भी कर पाओगे, बस इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा भी थोड़ा सा हेल्प कर देना क्योंकि मैं 1K के करीब हूँ गाइस, तो 1K कंप्लीट करवा दो आप बस प्लीज़, ठीक है। चलिए अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम स्नैपचैट को अभी ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप जो फोटो एडिट करने वाले उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है, तो मैं कर लेता हूँ। एज यू कैन सी गाइस, मुझे जो फोटो एडिट करना था उसको मैंने कर लिया इंपोर्ट। अभी क्या क्या प्रोसेस आपको करना है मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट हमें टूल्स पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्या करना है, ट्यून इमेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, डायरेक्ट आपको आना है सैचुरेशन पर और इसका सैचुरेशन फुल डाउन कर देना है। अभी डाउन हो चुका, अभी क्या करना है आपको फिर से डन पे क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। अभी फिर से क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है, ट्यून इमेज पर क्लिक करना है और ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है। इन्वर्ट कर लेना है इस वाले फोटो को। अब इन्वर्ट हो चुका, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अपने स्किन को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना स्किन पर, ठीक है। और स्किन का कलर आपको फिर से वापस ले आना है, तो मैं कर लेता हूँ एंड आप भी अच्छे से कर लीजिएगा। एज यू कैन सी गाइस, देखिए हमारा जो अच्छे तरीके से हो चुका है रिमूव, ठीक है। और अपने स्किन को मैंने अच्छे से रिकवर कर लिया है। एंड आपको भी कुछ ऐसे ब्रश से अप्लाई करके एंड रिमूव करके आपको अपने स्किन का कलर फिर से ले आना है, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ से डन कर लेते हैं एंड यहाँ से बैक आ जाना, आपको एरो पर क्लिक करना है और बैक आ जाओगे। अभी ऐसा कुछ लग रहा है हमारा फोटो, ठीक है, बिफोर ऐसा था, आफ्टर कुछ ऐसा हमने क्रिएट कर लिया। अभी आपको क्या करना है, टूल्स पर क्लिक करना है, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आना है इस पर आपको डबल एक्सपोजर पे एंड ऐड फोटो पे क्लिक करना है। देन आपको इस कलर को ऐड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया, वहाँ से भी इजीली डाउनलोड कर पाओगे। अभी क्या करना है आपको, स्टाइल पर क्लिक करना है यहाँ पर, देन इसका जो आपको ब्लेंडिंग मोड है सब्सट्रैक्ट पर रख देना है, देन क्या करना है डन कर लेते हैं। अभी डन करने के बाद फिर से ऐसा आपका फोटो हो जाएगा, तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर से व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना है, ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर से इन्वर्ट कर लेना है और अपने स्किन से फिर से रिमूव करना है कलर को। एज यू कैन सी गाइस, हमने कुछ ऐसे अपने फेस को फिर से रिकवर कर लिया, ठीक है। अभी कुछ ऐसा फोटो लग रहा है, अभी क्या करना है फिर से डन कर लेते हैं, देन आपको फिर से एरो पे क्लिक करके बैक आ जाना है। एंड अभी कुछ ऐसा हमारा फोटो का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, टूल्स पर क्लिक करना है, देन आपको ट्यून इमेज पे क्लिक करना है, अभी ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को कुछ नहीं करना है, एंड एम्बियंस को आपको माइनस करना है, हाईलाइट को थोड़ा सा प्लस करना है एंड शेडो को थोड़ा सा माइनस करना है, देन डन कर लेते हैं। अब इतना हो जाने के बाद अभी क्या करना है आपको, टूल्स पर फिर से क्लिक करना है, देन आना नीचे एंड विग्नेट को सिलेक्ट करना है और इसका विग्नेट अमाउंट आपको अप्रॉक्स कर देना है 50, देन डन कर लेते हैं। अभी फिर से आपको क्या करना है, टूल्स पर फिर से क्लिक करना है, देन आना इस बार आपको सिलेक्टिव पर और अपने फेस पे ऐसे एक डॉट लेना है और इसका रेडियस आपको चेंज कर लेना है ऐसे कुछ, देन ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है और इसका अब चाहो तो स्ट्रक्चर थोड़ा कम कर सकते हो। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है और जहाँ जहाँ स्किन है वहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। अभी इतना बार क्या करना है, फिर से आपको एक डॉट लेना है और अपने इस हेयर को इस बार सिलेक्ट करना है और इसका ब्राइटनेस कम करना है, कॉन्ट्रास्ट प्लस एंड स्ट्रक्चर को प्लस करना है, देन इसको कॉपी कर देना है और अपने हेयर पे अच्छे से अप्लाई करना है। अभी इतना हो चुका, अभी क्या करना है, फिर से आपको डॉट पर क्लिक करना है, देन आना है इस बार आपको अपने लिप्स पर, एंड कुछ ऐसा रेडियस सेलेक्ट करना है, देन क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को इंक्रीज करना है और इसका जो स्ट्रक्चर को भी इंक्रीज कर देना है, देन डन कर लेते हैं। तो ओवरऑल फोटो हमारा कुछ ऐसा बन चुका है, बिफोर ऐसा था, आफ्टर कुछ ऐसा हमने कर लिया। अभी फिर से टूल्स पर क्लिक करना है, देन आना डिटेल्स पर, इसका स्ट्रक्चर आपको बढ़ा देना थोड़ा सा और इसका शार्पनिंग भी बढ़ा देना है,
एंड डन कर लेते हैं। तो अभी फोटो कुछ ऐसा लग रहा है। अभी क्या करना है, फिर से टूल्स पर क्लिक करते हैं, देन आपको डबल एक्सपोजर को सिलेक्ट करना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना है, देन आपको इस वाले PNG को ऐड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टाइल पे क्लिक करना है, देन आपको इसको कर देना है लाइट एंड पे सेट, और कुछ ऐसे एंगल पे इसको सेट कर लेना, देन डन कर लेते हैं। अब इतना हो जाने बाद क्या करना है, फिर से आपको टूल्स पर क्लिक करना है, फिर से डबल एक्सपोजर पे, फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है, देन इस बार आपको इस वाले पार्टिकल्स को ऐड करना है, देन फिर से इसको कर लेना आपको लाइट एंड पर सेट, या फिर आप चाहो तो सब्सट्रैक्ट भी आप फिर चाहो आप तो ऐड कर सकते हो, बट लाइट एंड सही है तो लाइट पर सेट करना है, और इसको कुछ ऐसे सेट कर लेना है एंड डन कर लेते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है एडिट फोटो पे, एंड इस पर क्लिक करना है आपको डबल एक्सपोजर पे, और इसको क्लिक करके इसको इन्वर्ट कर लेना है, और जहाँ भी आपके फेस में पड़ रहा है वहाँ से आपको इसको रिमूव कर लेना है। अभी डन कर लेते हैं, तो बैक आना है, एंड ओवरऑल फोटो कुछ ऐसा हमारा लग रहा है। अभी फिर से आपको टूल्स पर क्लिक करना है, लेंस ब्लर को सिलेक्ट करना है, और इसका रेडियस कुछ ऐसे सेट कर लेना है। अभी आपको क्या करना है, ब्लर स्ट्रेंथ का इतना ही रहने देना है। अभी क्या करना है, इसका ट्रांजिशन आपको फुल कर देना है, एंड जो इसका विकनेट है इसको थोड़ा सा प्लस कर देना है अप्रॉक्स 45, एंड इसका जो ब्लर स्ट्रेंथ आप चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो थोड़ा सा, तो ये परफेक्ट है। अभी क्या से अभी यहाँ से डन कर लेते हैं। तो गाइस हमारा फोटो ऑलमोस्ट बन चुका है, मतलब कंप्लीट बन चुका है। देखिए बिफोर फोटो ऐसा था, आफ्टर कुछ ऐसा हमने टोन ऐड कर लिया, एंड सारा प्रोसेस हम कर लिए स्नैपसीड से, ठीक है, एंड आप भी कर पाओगे। अगर आपको अपने फेस को और ज़्यादा वाइट करना है तो फिर से टूल्स पर क्लिक करना है, और आपको सिलेक्ट को लेना है, और जितना वाइट करना है फिर से आप कर सकते हो, और इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करके डिक्रीज कर देना है, सैचुरेशन डिक्रीज करना है, और इसका स्ट्रक्चर भी डिक्रीज करना है, एंड इसको कॉपी पेस्ट कर देना है हर जगह।